आपको फंटा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदयवीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजमेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे जैसे दीवार पे प्लास्टर होता है उससे फंटा लगाने का सही तरीका। तो आइए आज हम आपको बताते हैं फंटा कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हेलो दोस्तों, तो ये सबसे पहले आप इस तरीके से फंटे की जगह बना लीजिए और इस पे आप सोल डालकर देख लीजिए, ये आपका फंटा सोल में होना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरीके से आप एक बीच में आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से जैसे कि ये लगा हुआ है। इस निशान पर भी दोस्तों आपको फंटे पर सोल लगाना है, ये देखिए आप, ये सोल में सही है। और एक तीसरा निशान भी आपको लगाना है इस तरीके, यहाँ से ये निशान भी आपको सोल में लगाना है और आपको अच्छी तरीके से सोल डालकर इस पे दिखाना है कि ये सोल में हो। उसके बाद दोस्तों आप मसाले की कटिंग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। और जो ये एक इस तरफ और ये निशान जो लगाए थे हमने, इससे नीचे फंटा नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फंटा लगा देना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपको फंटा चलाना है। जो ये हमारा निशान लगा था दोस्तों, इस पे आपको कटिंग करके चलना है, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं होना चाहिए दीवार पर। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है, जो हमने ये निशान लगाया था उसी के हिसाब से आपको चलाना है। फिर इस तरीके इस तरह फंटा चला रहे हैं दोस्तों, जैसे कि निशान दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसकी अभी हमें और कटिंग करनी है ये इस तरीके से। जब तक ये निशान दिखता रहे तब तक आपको फंटा चलाना है, ये देख लो। दीवार पर दोस्तों प्लास्टर आधा इंची होना चाहिए, अगर आप आउटडोर में प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें एक इंची प्लास्टर आप रख सकते हैं, लेकिन सफाई की दीवार पर आपको आधा इंची प्लास्टर रखना। तो ये देखिए दोस्तों, जो आपका फंटा सही लगेगा तो इसमें जो है ये गैप नहीं रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से भी यहाँ पर भी आपका फंटे में कहीं गैप नहीं रहेगा अगर फंटा आपका सही लगा होगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबा लिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों।